नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। लगातार समाजवादी पार्टी के कुनबे में जो कलह चल रहा है उसको सुलझाने की कोशिशें भी जारी हैं। पिछले दो महीने से ये लगातार सस्पेंस चल रहा है कि जो बीच में दरार पड़ी थी चाचा और भतीजे में, वो किसी तरीके से खत्म की जा सकती है या नहीं, अब इसकी फिर से कोशिश की जा रही है। और अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हैं चाचा शिवपाल यादव। ये हुआ है जब कल अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिख दी थी अपने पिता और समाजवादी पार्टी के चीफ मुलायम सिंह यादव को कि वो अकेले ही अब अपनी रथ यात्रा पर निकलने को तैयार हो रहे हैं। परिवर्तन यात्रा वो अपनी निकालेंगे नवंबर में। और ये भी सूचना मिल रही थी कि जो स्थापना दिवस है समाजवादी पार्टी का, जो उसी वक्त होने वाला था, उसका भी बहिष्कार करेंगे वो खेमे के लोग जो कि अखिलेश के साथ में हैं। बालकृष्ण हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। किस तरह की कोशिश हो रही है, क्या ये आखिरी उम्मीद है कि किसी भी तरीके से अखिलेश को मना लिया जाएगा? बालकृष्ण पद्मजा, बिल्कुल ठीक आपने कहा, टूट के कगार पर पहुंची हुई पार्टी में ये कोशिश की जा रही है कि 5 तारीख को जो रजत जयंती समारोह है 25 साल की, जिस दिन पार्टी के 25 साल पूरे होंगे, उस दिन जो लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में आयोजन हो रहा है उसमें किसी तरह से कोशिश हो रही है कि अखिलेश यादव को मनाया जाए, कि उसमें आकर वो हिस्सा लें। क्योंकि अगर वो उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं तो पार्टी की बहुत फजीहत होगी, पार्टी की फूट बिल्कुल सामने आ जाएगी। अभी तक जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से उसमें अखिलेश यादव हिस्सा नहीं लेंगे, वो 3 तारीख को अपनी रथ यात्रा पर चुनाव प्रचार में निकल जाएंगे और ये स्थिति जो है उसको टालने की कोशिश की जा रही है। मुलायम सिंह अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, शिवपाल से कहा गया कि वो जाकर के अखिलेश से मिले और उनको मनाने की कोशिश करें। जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी मौका मिल रहा है ये कहने का कि जो अपने परिवार के कलेश को नहीं सुलझा सकते वो उत्तर प्रदेश को कैसे चलाएंगे। इसीलिए अब डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है समाजवादी पार्टी। बालकृष्ण आपका धन्यवाद सारी जानकारी देने के लिए।